मेरा भारत, मेरी सांस्कृतिक रीति रिवाज, सब कुछ क्रेडिबली इंडिया है। हम अपने भारत माता को हमेशा सलूट करते हैं। देश की मजबूती आन बान शान के लिए हमेशा सेनाओं को हमेशा सम्मान करते हैं। आइए आप भी कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लाइसेंस सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हर वर्ष की भांति विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाई जाती है। वहीं पर 16 दिसंबर 2020 को शहीदों को श्रद्धांजलि के इस अवसर पर हर वर्ष की भांति हमारे देश के विजय दिवस को भारतीय सेनाओं की आदम शक्ति, उनकी आज आन बान शान, आज पूरी दुनिया जानती है कि हमारे फौजियों में कितना ताकत, साहस, जोश, जुनून, शौर्य के साथ भारत माता की हमेशा रक्षा करने में एक इंच भी हमारे फौजी पीछे नहीं हटते। इस विजय दिवस की फौजियों को साहस, शौर्य, माता रानी और प्रदान करें। हमारे देश के फौजियों को सलूट, नमन, अभिनंदन करता है पूरा संपूर्ण भारत। आइए एक रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। राजेश गुप्ता जी एक फौजी, रिटायर फौजी हैं और वह लगातार आज जो है फौजियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि आज 18 दिसंबर 2020 है और यह विजय दिवस 16 दिसंबर 2020 को मनाई गई। यह वीडियो हमें लेट पहुंची है, इसलिए हमें प्रसारित करना देश के हित में जरूरी है। आज 16 दिसंबर 2020 है। हम अपने भारतीय जवानों के लिए जिन्होंने अपनी जान इस देश में आज ही के दिन 1971 में कुर्बानी दे दी थी, पाकिस्तान को हरा दिया था और बांग्लादेश को मुक्त कर दिया था। ये दिन उन्हीं के लिए आता है और ये दिन उनके याद में आने पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपनी जानों पर निछावर करके देश के लिए सीमाओं में खड़े होकर पाकिस्तान को हरा दिया था और बांग्लादेश को मुक्त कर दिया था। आज के दिन हम वास्तव में उन वीरों के लिए बार बार यही याद करते हैं कि जो विजय दिवस है, ऐसे ही हमारे वीर जो है शक्तिशाली बनकर जब भी कोई हमारे देश पर संकट आए तो उनको जो है ईंट से ईंट बजा के उसका जवाब दें और हम ऐसे ही विजय प्राप्त करते हैं, विजय दिवस मनाते रहें। आपको मालूम होगा कि आज ही के दिन जो है 1971 में ये लड़ाई जो है समाप्त हुई थी और इसी को विजय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और अपने उन सैनिकों को जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था उनकी शौर्य गाथा के लिए उनको बार बार सहानुभूति के साथ उनको जो है अच्छी शक्तिशाली बने रहें, स्वस्थ बने रहें, यही उनकी शुभकामनाएं देते हैं। और जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके लिए जो है बार बार नमन करते हैं कि ऐसे देश के वीर जो हमारी देश की धरती के लिए हरदम लगे रहे और उन्होंने इस विजय दिवस में ये दिखा दिया कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। इस भारतीय सेना के आगे कोई टिक नहीं सकता है, इस भारतीय सेना के आगे कोई जो है खड़ा नहीं हो सकता है। आइए हम अपनी भारतीय सेना को सलूट के साथ यही कहें कि जहां पर भी वो रहें अपनी देश की सेवा के लिए जो उनका जज्बा है, जो उनका शक्तिशाली जो मनोबल है वो ऐसे ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, एसीसी स्टार स्टेट चीफ, बेस्ट यूपी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।